सजाते हैं। अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही अब बच्चों को हाफिज बनाते हैं। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। और निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में आते हैं। निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में आते हैं। आइए दोस्तों, आज की इस स्टेज पर मुल्के नेपाल का बाकमाल लहजा, शेर व अदब के उफक पर आफ्ताब बनकर चमकने वाली आवाज, बड़ी पाकीजा और तकद्दुस माब आवाज, निहायत शराफत शाइस्तगी संजीदगी मतानत दुरुस्तगी के साथ महबूब खुदा हम सब के आका मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ करने वाली आवाज, बिरादर मुकर्रम आली जनाब मोहम्मद फैयाज फैजी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं इन मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल के सुखन को रंगे उलूम व फुनून मिलता है, तने अदब को ताजा खून मिलता है। और जैसे यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। मैं ज्यादा देर आपके बीच हायल नहीं रहूंगा, सिर्फ एक मतला और दो शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि मैं बारहा आपके बीच गाहे बगाहे किसी न किसी प्रोग्राम में मुझे समाज करते रहते हैं। मेरे बाद इंशाल्लाह खतीबुल हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामद बरकातुल आलिया का खिताब होना है। बहुत मुख्तसर सा खिताब होगा, उनके बाद जिनके मुंतजिर हैं आप इंशाल्लाह उनका खिताब होगा। मैं नाते पाक का एक मतला एक शेर पेश किए देता हूँ बतौर खास मुलाज़म फरमाए। एक मरतबा पूरा मजमा सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करे और मुझे इजाजत दे, बोलते लहक के सुभान अल्लाह। के इस तरह रब को क्या कहने हैं, इस तरह रब को मनाया कीजिए। बहुत अच्छे भाई, दूसरा मिसरा आप तक पहुंचेगा, दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह आपकी। के इस तरह रब को मनाया कीजिए, इस तरह रब को मनाया कीजिए। बहुत अच्छी धुन है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह रब को से को सजीते में झुकाया कीजिए, से को सजीते में झुकाया कीजिए। इस तरह से को सजीते में झुकाया कीजिए, से को सजीते में झुकाया कीजिए। एक शेर नौजवानों के लिए एक पैगाम एक मैसेज बतौर खास मुलाज़ा फरमाए कीजिए। के बिगड़ी किस्मत को बनाया कीजिए, बिगड़ी किस्मत को बनाया कीजिए, बिगड़ी किस्मत को बनाया कीजिए, मत को बनाया
अरे माँ के पैरों को दबाया कीजिए, माँ के पैरों को दबाया कीजिए। के बाद मैं अपनी जगह इस वजह से कि हमारे बहुत सी मेहमान मुकर्रीन हजरत तशरीफ रख रहे हैं, मैं अपने मेहमानों को मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो आपके बीच अपना अपनी जो बात है या उनका जो खिताब है ज्यादा से ज्यादा आप समाप्त करें। आखिरी शेर मदारिस इस्लामिया के हवाले, उम्मीद है कि हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासिमी को ये मेरा शेर जो है जरूर याद हो जाएगा, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। बाद में ए दोस्तों मौलाना बतौर खास के घर बनाना, बाद में दोस्तों को घर बनाना, बाद में दोस्तों पहले बनाया कीजिए, मदरसा पहले बनाया कीजिए, इस तरह रब को मनाया कीजिए, सर को सजदे बोश 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 बोश।